डॉक्टर रोहित ये बताएं कि ये मेडिकल के फील्ड में आप कब और कैसे गए तो एक्चुअली uh, जब मैं ट्वेल्थ कर रहा था आई ऑलवेज दिस एंबिशन इधर आई गेट इनटू द आईआईटी या मैं डॉक्टर बन लूँ और uh, जो आई वॉन्टेड टू बी इन सम सॉर्ट ऑफ यू नो पोजिशन वेर आई वॉज़ इन समथिंग प्रीमियर और जब मैं जो सी ई टी जो सब कुछ एग्जाम्स देने के बाद मेरा जो रैंक था वो सी ई टी में बहुत अच्छा था और मुझे एक गवर्नमेंट सीट मिला कर्नाटक में मणिपाल यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट uh, सीट मिला एंड दैट्स हाउ माई जर्नी इन ना मेडिसिन ना स्टार्टड तो जब मैं एम बी बी एस कर रहा था तो एक हमारा एक मेडिकल ऑनकॉलजिस्ट थे हु वॉज़ वेरी इंस्पायरिंग सो द वे ही टॉक टू पेशेंट्स द वे जो हिस्ट्री निकालते थे और जब पेशेंट uh, के साथ बात करते थे जो टर्मिनल पेशेंट्स के साथ बात करते थे एंड हाउ यू वुड अंडरस्टैंड दियर इमोशंस एंड ट्राई टू मेक दैम फील सो कम्फर्टेबल एंड जो द नियर डेथ एक्सपीरियंस वो एक्सेप्ट करने का जो टेक्नीक था आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड विद द वे ही डेल्ट विदीज पेशेंट्स सो इसलिए आई थॉट दिस फील्ड इज समथिंग दैट जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बात बात करते हैं इसमें ऑन्कोलॉजी में इट इज़ द प्राइमरी मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज एविडेंस बेस्ड सब कुछ एविडेंस बेस्ड है कोई आ, हम, हम अमेरिका में बैठे यूरोप में बैठे और इंडिया में बैठे हम जो एविडेंस फॉलो करते हैं वो सब कुछ सेम है और इट गिव्स मी ग्रेट प्राइड कि हम अभी जो अमेरिका में जो भी ट्रीटमेंट कैंसर uh, में देते हैं वो हम रेप्लीकेट इंडिया में भी कर सकते हैं फॉगेट इंडिया हम उदयपुर में भी वैसा ही कर सकते हैं सो बिकॉज ऑफ दैट आई दैट ये ऑंकोलॉजी ब्रांच इज डॉक्टर मानसी आप बताएं कि आप हालांकि आपके खून में भी मेडिकल है हाँ। लेकिन फिर भी मेडिकल में कब और कैसे आने का सोचा सो so, मैं बचपन से ही और किसी में अच्छी नहीं थी पढ़ने में अच्छी थी वो एक रीजन है और दूसरा मेरे पापा डॉक्टर है उनको देख के आई वॉज लाइक ही इज माई रोल मॉडल सो ही वॉज माई इंस्पिशन थ्रू आउट माई लाइफ सो ऑबस आई वॉन्ट टू मेक हिम प्राउड सो दैट इज ऑल्सो वन रीजन आई गॉटन टू दिस फील्ड फिर ये बताएं कि इसी फील्ड में ऑंकोलॉजी में भी आप कवर है? अगेन वो ही सेम आंसर है मेरा माई डैड इज एन ऑंकोलॉजिस्ट एंड एज ही से डिफरेंट काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन इन डीलिंग विद कैंसर पेशेंट्स सो वो ही रीजन है दैट आई टू दिस फील्ड ये रेडियो इलेक्सिटी है और हमारा प्रोग्राम है बातें मुलाकातें हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहित रेबेलो और साथ में डॉक्टर मानसी शाह डॉक्टर रोहित बताएं कि सबसे पहले आप मानसी जी से कब और कैसे मिले थे तो एक्चुअली जब मैं मैं डी मेडिकल ऑन्कोलॉजी शुरू किया था बैंगलोर में मानसी वॉज डूइंग मानसी एम रेडियोथेरेपी कर रही थी उस टाइम पर और जब मैं ज्वाइन किया था तो एक्चुअली जो रेडियोथेरेपी का पोस्ट ग्रेजुएट्स को मेडिकल ऑन्कोलॉजी में पोस्टिंग मिलता है तो द फर्स्ट पी जी टू तो बी पोस्टेड अंडर मी वॉज डॉक्टर मानसी शाह सो so दैट इज़ हाउ वी uh, हमारा पहला मुलाकात प्रोफेशनली हुआ अब गुरु थे सो <laughs> 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 so हमारा पहला मुलाकात प्रोफेशनली हुआ और धीरे धीरे एक पर्सनल रिलेशनशिप भी बिल्ड हुआ तो ये बताएं कि कब लगा कि पर्सनल रिलेशनशिप अब बिल्ड हो रहा है या चांसेस है एक्चुअली अंदाज़ा एक दस पंद्रह दिन में ही लगा <laughs> कि पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएंगे मानसी <laughs> जी बताएं कि आपने जब पहली बार देखा था रोहित जी को तो लग रहा था मामला इतना सीरियस हो जाएगा पहली बार में तो नहीं लगा धीरे धीरे बट धीरे लग धीरे हम लोग अच्छे दोस्त बन गए उसके बाद प्रॉबली लगने लगा थी <laughs> ये बताएं कि बहुत सारे फिल्मों में और बहुत सारे किस्सों और कहानियों में जिक्र आता है कि नज़र पहली नजर में प्यार तो ये बात कुछ आपके मामले में थी या ऐसा कुछ नहीं हुआ मानसी के मामले में थी आई थिंक मानसी के मामले में थी ये दरअसल uh, क्या एहसास होता है डॉक्टर रोहित बताएं कि हालांकि आप डॉक्टर हैं हो सकता है कि साइंटिफिकली भी इसको एक्सप्लेन करें दरअसल ये प्यार की फीलिंग होती कैसे और कैसे आपको महसूस हुआ कि हो रहा है या होने वाला है आई गेस uh, क्या है कि हम सब साइंटिफिक माइंडेड इंडिविजुअल्स हैं जब वेन वी कैनॉट एक्सप्लेन समथिंग दैट इज़ लव वेरी okay. <laughs> <laughs> रेडियो लेक सिटी है और बातें मुलाकातें प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहित रिबेलो और साथ में हैं डॉक्टर मानसी शाह डॉक्टर मानसी ये बताएं कि जब आप रोहित से पहली बार मिली और उसके बाद आपको धीरे धीरे प्यार का एहसास हुआ तो कब लगा कि अब सीरियसली एक रिलेशनशिप में जाना चाहिए एक्चुअली बिकॉज मेरा पढ़ना भी खत्म हो गया था सो so, मेरे माम डैड से प्रेशर आ रहा था घर पर लड़के देखने के लिए सो दैट इज वेन एक्चुअली वी हैड टू टेक दैट स्टेप अभी बोलना पड़ेगा <laughs> <laughs> so, that's when, uh, मैंने मेरे मम्मी पापा से बात की रोहित आए उनको मिलने के लिए एंड देन लाकी ली एवरी थिंग टोरी विलन बगैर मजेदार नहीं होती तो आपकी लव स्टोरी भी स्मूथ रही या कोई विलेन आया नहीं नहीं हमारा लव स्टोरी एक्चुअली बहुत स्मूथ <smooth> अनएक्सपेक्टेडली <laughs> <unexpectedly> बहुत स्मूथ था <laughs> क्योंकि uh, हम दूसरा दूसरा स्टेट से आई एम फ्रॉम कर्नाटका शी इज फ्रॉम गुजरात रिलीजन भी दूसरा है पर आई uh, थिंक uh, दो, हमारा दोनों पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड हैं और इट नेवर केम टू अ पॉइंट वेयर इट वॉज ऑलवेज जज्ड बेस्ड ऑन द पर्सन एंड द इंडिविजुअल रादर देन एनीथिंग एल्स तो इसलिए आई वुड

एंड आई वॉज क्या है कि थोड़ा डर लगता है कि इतना बड़ा प्रोफेसर है सर और उसके साथ मिलना पर uh, और प्रोफेसर से सबसे कीमती चीज़ मांग रहे हैं वही <laughs> है। सो <laughs> 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 so, पर अंकल वॉज ही जज मी ऑन इज गज टाइम विद मी और uh, he, uh, uh, उसके बाद बहुत सपोर्टिव है प्रोफेशनली पर्सनली जब भी एडवाइस चाहता हूँ वो मेरा पापा जैसा ही एडवाइस देते हैं तो देर वॉज नो इन दिस आई वेरी हैप्पी टू से वे ये बताएं कि एक ही प्रोफेशन के दो लोग जब शादी करते हैं या किसी प्रेमपूर्ण संबंध में बढ़ते हैं आगे तो क्या ज़्यादा सहूलियत होती है उस रिश्ते में? Uh, में हमारे केस में आई फील दैट बिकॉज हम लोग सेम प्रोफेशन में से है सो वी अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर एंड द फैक्ट कि मैं इतने दूर पढ़ने वाली हूँ दो साल आई डोंट थिंक कोई और इतना समझ पाता एक्सेप्ट फॉर अ डॉक्टर एंड एक्सेप्ट फॉर बिकॉज उन्होंने भी देखा है हाउ हार्ड इट इज सो आई थिंक इट इज अ गुड थिंग दैट वी आर इन द सेम प्रोफेशन डॉक्टर मानसी और डॉक्टर रोहित आपसे और बातें करेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं ये रेडियो लिक्सिटी है और हमारे साथ मेहमान है डॉक्टर रोहित रिबेल और साथ में डॉक्टर मानसी शाह डॉक्टर रोहित आपका फील्ड कैंसर का फील्ड और इसमें बड़े मार्मिक लम्हे आते होंगे आपके पास पेशेंट्स आते होंगे जो हो सकता है डेथ बेड पर हो और बहुत सारे इमोशनल मोमेंट्स आते होंगे लेकिन कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपको लगता होगा कि आपकी ताकत मेडिकल साइंस की ताकत इसके अलावा भी कोई ताकत है जो मदद करती है कभी आपको इसका कुछ एहसास हुआ वो क्या 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 है कि एक्चुअली actually...

Uh, बहुत लंबा समय यू नो जी सकते well, actually, कल हम बात कर रहे थे एक ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट था उसका हु हैज़ लिव फॉर ट्वेंटी ईयर्स तो समटाइम्स मिर्कल्स डू हैपन दैट यू नो मे बी हमारा साइंटिफिक एक्सपीरियंस वी कैनॉट एक्सप्लेन इट बट या इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड स्परिचुअलिटी आई वुड से आपकी क्या राय डॉक्टर मानसी या सो दैट्स वॉट हमने कल वही डिस्कस किया कभी कभी इट डिपेंड्स ऑन द दर्सन विल पावर पे भी है के एंड लाइक हाउ ही वो कैसे दिमाग से कैसी कंडीशन में है तो समटाइम्स दे लिव लॉन्गर समटाइम्स दे कुछ चीज़ें कही जाती एक तो स्पिरिचुअलिटी कि आदमी का खुद के भीतर कोई एक आध्यात्मिक शक्ति होती है और कुछ ये कहा जाता है कि उसमें दुआएं बहुत सारे लोग कहते हैं हमें दुआएं लगी तो क्या आपको लगता है कि स्पिरिचुअल पावर या दुआएं इनमें भी कुछ ताकत होती है i as a doctor i do not believe in all that so according to me mujani lakta it depends

भला व्यक्ति सेलिब्रिटी था उसको कैंसर हुआ और वो ठीक हो गया और ठीक होकर घर भी आ गया रिकवर भी हो गया और कई दफ़े ऐसे भी केसेस आते हैं कि आदमी जिसके पास दुआएं नहीं हैं और हो सकता है वो ठीक ठाक हो लेकिन वो उस ट्रीटमेंट को सहन नहीं कर पाया या उसकी मृत्यु हो गई तो ये बताएं कि ये जो ताकत होती है कैसे आती है और क्या कहीं ना कहीं भीतर की ताकत भी इलाज में और उसके बाद रिकवरी में मदद करती है एक्चुअली uh, क्या है कि आई आई थिंक ये मेन इशू है कि जो सेलिब्रिटीज़ है जो ये अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास पीपल है अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम हो तो वो डॉक्टर को जाते हैं तो द चांस दैट वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होगे हो, वो बहुत ज़्यादा है उसमें आई थिंक वो ही प्रॉब्लम है क्योंकि जब हम जो विलेज विले, विलेज का लोग वो सब जब तक दर्द नहीं आता है पेशेंट अस्पताल को नहीं इतना बड़ा गांठ हो भी तो अस्पताल को नहीं आते जब तक दर्द आता है और कैंसर का ये भाव है कि गांठ जब तक बहुत बड़ा बड़ा नहीं होता है जब तक थर्ड या फोर्थ स्टेज में नहीं दर्द नहीं होता है तो ये इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये डिफरेंस है सर्वाइवल में जो अमीर लोग और गरीब लोग में डिफरेंस है और ये डिफरेंस है विदेश में भी है इंडिया में भी है डॉक्टर मानसी बहुत बार माना जाता है कि आप कीमो या देते हैं बहुत सारे रेडिएशन या उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और जो भी मरीज़ है उसे दर्द भी महसूस होता है बताएं कि क्या ये ज़्यादा दर्दनाक होता है और उसको सहन कर पाते हैं लोग सो इट डिपेंड्स हम लोग भी उस तरह से ही ट्रीटमेंट देते हैं फर्स्ट वी एग्ज़ामिन द पेशेंट भी हम लोग देखते हैं कि वो कौन से टाइप की कितने स्ट्रेंथ uh, तक uh, कीमो या रेडिएशन बर्दाश्त कर पाएंगे वी ऑल्सो गिव इट अकॉर्डिंगली और आ, हाँ तो वॉट एवर आर ट्रीटमेंट इज वी मेक श्योर कि बैलेंस के वो बर्दाश्त भी कर पाए एंड इट ऑबियसली शुड हेल्प ऑल्सो सो दे वो टॉलरेट कर पाते पेशेंट डू टॉलरेट ट्रीटमेंट ये रेडियो है और प्रोग्राम है बातें मुलाकातें हमारे गेस्ट हैं आज ऑंकोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित रिबेल और साथ में डॉक्टर मानसी शाह डॉक्टर रोहित कैंसर एक ऐसा रोग है जिसको सुनकर लोग घबराते बहुत ज्यादा है लेकिन अब जब साइंस भी है और ट्रीटमेंट के मेथड्स भी हैं आप जैसे युवा और समर्पित डॉक्टर्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं तो बताएं कि कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर क्या सिचुएशन हमारे देश में अच्छी है या होने वाली है एक्चुअली बहुत अच्छी हुआ है और गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कैंसर का ट्रीटमेंट में एक्चुअली पिछले दस साल में बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट का स्कीम है राजस्थान में बामाशा का स्कीम है जो बहुत कैंसर पेशेंट्स को हेल्प करता है जब मेरा मेरे प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट एटी पेशेंट बामाशा से आते हैं मे मेरा जस्ट रिक्वेस्ट है लोगों को कि अगर कोई छोटा मोटा गांठ हो किधर भी हो एक डॉक्टर को जाओ वैसे भी अभी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है डॉक्टर्स का अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा है कोई भी डॉक्टर एग्जामिन कर कर अगर हम अर्ली स्टेज में पिकअप होते हैं जैसे विदेश में अर्ली स्टेज में पिकअप होते तो हमारा सर्वाइवल भी विदेश के बराबर ही चलेगा डॉक्टर मानसी आपकी क्या राय है द अभी कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो गई है कैंसर की हेल्थ केयर में और इंडिया में हम इनफैक्ट in इंडिया में मेरी हॉस्पिटल में कितने सारे बाहर से लाइक uh, अफ्रीका like और सबसे पेशेंट्स आ रहे हैं जस्ट टू टेक ट्रीटमेंट इन इंडिया तो इंडिया का हेल्थ केयर पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली इट्स रियली गुड अभी मित्रों आप सुन रहे हैं बातें मुलाकातें प्रोग्राम हमारे मेहमान हैं ऑंकोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित रिबेल और साथ में डॉक्टर मानसी शाह डॉक्टर मानसी कैंसर को लेकर जैसा कि जिक्र हो रहा था लोग घबराते हैं बताएं कि क्या क्या सतर्कता क्या क्या सावधानियां लोग रखें जिससे वे कैंसर से बचें और अगर हो गया है तो जल्द ठीक हो जाए तो वही फर्स्टली आई थिंक एक्सरसाइज एज रोहित ने जैसे बोला योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कितना सारे कैंसर का रिस्क फैक्टर में मोटापा इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर अवॉइड स्मोकिंग एल्कोहल वो सब कम करने के लिए और अच्छा हेल्दी डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर तो ये सब uh, uh, अगर करें तो देर आर चांसेस के रिस्क थोड़ा कम हो सकता है कैंसर के लिए डॉक्टर रोहित आप क्या कहेंगे रोही no, एक जेनेटिक फैक्टर है जो हम चेंज नहीं कर सकते पर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे कि स्मोकिंग स्मोकिंग सबसे बड़ा एनवायरमेंटल फैक्टर है एल्कोहलिज्म और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर है एयर पोल्यूशन वो सब फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो जो जेनेटिक फैक्टर्स है वो हमारा हाथ में नहीं वो भगवान का हाथ में पर एटलीस्ट जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो कंट्रोल कर कर हेल्दी लाइफ अगर हम लीड करेंगे ईटिंग गुड फूड दैट विल डेफिनेटली रेड्यू द बर्डन ऑफ कैंसर जाते जाते डॉक्टर मानसी तमाम लिसनर से क्या कहेंगे uh why as i said uh, be healthy stay healthy and uh, come to us as soon as you think you need us dr rohit don't be afraid to fall in love <laughs> 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 dr rohit ribello or dr mansi shah abkaridesabhar